हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एके सिंह स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपना जो नया सत्र चालू होने वाला 2019 का, उसके लिए फॉर्म आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो उसमें आपको मेरिट लिस्ट लगेगी, जैसे हर साल लगती आ रही है बीटीसी अप्लाई करने के लिए। बीटीसी करने के लिए आपको मेरिट लिस्ट क्या होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि प्राइवेट और सरकारी की मेरिट लिस्ट कहाँ तक पहुँचेगी, और साथ ही बात करेंगे इनकी एप्लीकेशन फ़ीस प्राइवेट सेक्टर में कितनी होगी और डाइट में कितनी होगी, इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए, आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो आपके लिए सुनहरा मौका है, ये बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार जो मौका मिला है वो शायद अगली बार आपको कभी ना मिले। तो बीटीसी 2017 जो है आपका, इसमें बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए, और साथ ही आपके जितने भी रिलेटिव हैं उनको भी बता दीजिए कि बीटीसी करना है। तो इस साल सबसे बढ़िया मौका है, आपका नंबर मेरिट लिस्ट में अवश्य ही आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, देखते रहिए आगे वीडियो में। तो बीटीसी 2017 वो दो हज़ार बीटीसी 2019 के जो हमारे सत्र के जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए हम एक सूचना देना चाहते हैं। वो सूचना आप देख लीजिए, टीचर बनने और शिक्षा से संबंधित सभी समस्याओं के निवारण के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी आपसे शिक्षा से रिलेटेड। और साथ ही आपकी जो भी प्रॉब्लम रही हो या जो भी प्रॉब्लम हो आपके फॉर्म बनने से लेकर आपके रिजल्ट आने तक की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हम देंगे आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो को देखने वाले कितने हैं, ठीक है। और हर पल पल की अपडेट मिलती रहेगी आपको इस चैनल पर, हर पल की अपडेट मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले का, तो अपडेट रहिए आप हमारे चैनल पर। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधे आपको आप तक पहुंचेगी। तो जो आपको फॉर्म भरना होगा उसके लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा, जब भी वो लिंक मतलब कि अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है, जब प्रोवाइड हो जाएगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। साथ ही आपको कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए भी आप हमारे से जुड़े रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बीटीसी 2019 जो है आपका सत्र शुरू होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो आप सभी प्यारे भाइयों और बहनों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं सबसे पहले कि हमें मतलब कि मेरिट लिस्ट कितनी बैठेगी। तो वे बीटीसी 2019 जो है, बीटीसी 2017 जो 2019 का है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरिट लिस्ट जो बैठेगी 2019 की, वह जनरल की इस प्रकार से बैठेगी, 200 से 210। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 200 से 210 तो बैठ ही नहीं सकती, बैठ सकती है दोस्तों, बैठ सकती है। और प्राइवेट सेक्टर में जो बैठेगी 160 बैठेगी, और सरकारी सेक्टर में बैठेगी अपनी 200 से 210। आप सोचेंगे कि पिछली बार तो बैठी थी 230 से, 220 से 230 बैठी थी, तो इस बार कम कैसे बैठ जाएगी। कम बैठ जाएगी दोस्तों, आप निगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिव सोचें, बताइए कैसे बैठेगी। बहुत ही आसानी से बैठेगी, वो इसलिए बैठेगी क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो रहा था अपना इस टाइम, मतलब कि इस बार जो रूल चेंज हुआ है अपना, कि वी एड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए, अपनी प्राइमरी सेक्टर के लिए, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक जो अपना टैट होता है उसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएड वाले भी। लेकिन अब कुछ लोगों का माइंड कहाँ डेवलप हुआ है कि उन्होंने सोचा है कि हम बीटीसी क्यों करें, हम बी एड करेंगे तो हमारा डबल फ़ायदा होगा, फर्स्ट फर्स्ट टू एट्थ भी हम पढ़ा सकते हैं, और शायद हम और साथ ही हम फर्स्ट टू फिफ्थ भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए हम बी एड क्यों, वो बी टी सी क्यों करें, बी एड ही करें। तो इस बार का आप देख पा रहे होंगे कि बी एड का अपना एग्ज़ाम तो हो चुका है, और साथ ही उसका जल्दी रिजल्ट भी आने वाला है। तो जो रिजल्ट ले लेंगे और साथ ही जो बी एड में एडमिशन ले लेंगे उनका तो मतलब ही नहीं है कि वो बीटीसी करें, क्योंकि एक बार उन्होंने बीएड में एडमिशन ले लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बीटीसी में भी एडमिशन लें, वो एक ही जगह एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपको ये बड़ा फ़ायदा मिलेगा कि आप कुछ लोग जो वहाँ पर चले जाएंगे बीएड में तो वो बीटीसी में फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है, अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनके लिए वो सीट कम हो जाएंगी, तो आपको क्या है, मौका मिलेगा और आपके मेरिट लिस्ट कम लगेगी दोस्तों, कम लगेगी। कोई निगेटिव ना सोचे, हकीकत बात यही है, क्योंकि लास्ट ईयर जो अपना नोटिफिकेशन आया था कि बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ यूपी टेट में, तो उस चीज़ को देखकर हमने ये बात रखी आपके सामने। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी के लिए मेरिट लिस्ट रहेगी 190 से 200 रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में वही रहेगी 160+ रहेगी, ठीक है। ओबीसी सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओबीसी में जितने भी कैंडिडेट आते हैं उनके लिए जो रहेगी 190 से 200 रहेगी, उनका नंबर आ जाएगा।
और ये कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ, 190 और 200 ये क्या चीज़ है, मैं इसके बारे में अभी चर्चा करूँगा। और SC सरकारी मतलब कि SC जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए सरकारी में जो रहेगी 180 से 195 रहेगी, और प्राइवेट सेक्टर में वही रहेगी 160 प्लस रहेगी, ठीक है 160 प्लस रहेगी या 160 के आसपास भी हो सकती है, ये माना गया है कि 160 के आसपास होगी, लेकिन सरकारी में जो है 180 से 195 ही रहेगी। और साथ ही बात करें SC कैंडिडेट की, SC कैंडिडेट में भी 175 से 185 रहेगी। इसका कारण मैंने बताया कम क्यों रहेगी, वो मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि VED वाले भी जो अप्लाई कर रहे थे वो इस बार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि VED वालों ने जहाँ भी अप्लाई करना था उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, साथ ही उनकी रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आ जाएगा तो वो उसमें एडमिशन लेंगे, क्योंकि BEd का जो अपना BTC का जो अपना है तो फॉर्म अभी आए नहीं है, जब आएंगे वो तभी भरना होगा, तो उससे पहले हमारा BEd क्लियर हो जाएगा। तो बात करें मेरिट लिस्ट बनती किस बेस पे है, मेरिट लिस्ट बनती है आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन। जैसे मान लीजिए आपकी 10th में आई 70%, ठीक है, और साथ ही आपकी 12th में आती है 80%, ठीक है, और साथ ही आपकी आती है ग्रेजुएशन में 50%, ठीक है, तो तीनों को मिला लेंगे तो हमारी बैठ जाएगी 200%। तो ये 200 जो होगी हमारी तीनों मिला के, तो यही तो हमारी मेरिट लिस्ट है, यही हमारी मेरिट लिस्ट है, तीनों का जोड़ के जो मिलता है वही मेरिट लिस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसी के द्वारा आपकी बनेगी, चाहे वो आपका BCom रहा हो ग्रेजुएशन में, चाहे BSc रहा हो, चाहे BA रहा हो, चाहे BCom रहा हो, चाहे BCA रहा हो, कुछ भी रहा हो, और 10th 12th आपने किसी साइड से भी किया हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात कर ली आपकी मेरिट लिस्ट की, और मेरिट लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्क्स आपको ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं आगे फीस की, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, उससे उसके बाद आपको जो आपका रिजल्ट नहीं आया, किसी व्यक्ति का रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसे आप व्हाट्सअप नंबर हमारा कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तब भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कोई भी समस्या हमें शेयर करनी है, या कोई भी आपका क्वेश्चन है सॉल्व नहीं हो रहा उस चीज़ के लिए, या कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप मैसेज करिए, कॉल ना करिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप साथ ही अपने एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी दिक्कत हो तो कर सकते हैं, साथ ही आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या जानने का प्रयास करना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है, हम आपका उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, सभी मित्रों और भाई बहनों से सब्सक्राइब करें हमारा अनुरोध है आप सभी से, और एक लाइक इस वीडियो को जरूर दें, क्योंकि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, और साथ ही आपको पता भी चल रहा है कि आप फॉर्म कब भरेंगे, तो उसके लिए मैं लिंक नीचे दे दूंगा जिससे कि आप उसे भर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर करें, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, और हाँ एक चीज़ और बताने वाले थे हम कि आपकी सरकारी में जो है फीस जो रहेगी, यानी डाइट में जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी 10,000, कितनी रहेगी 10,000 रहेगी, ठीक है, आपको वहीं पर DD बना के जमा करना होगा। और साथ ही हम बात करें तो उसकी प्राइवेट सेक्टर में जो रहेगी आपको 41,000 ही रहेगी, जैसे कि लास्ट ईयर भी रही है, प्राइवेट सेक्टर में जो रहेगी आपकी 41,000 रही रहेगी, ठीक है। बाकी जो अपना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो एक्स्ट्रा चार्जेस शायद 10,000 रुपये लेते हैं, लेकिन 10,000 रुपये कहीं कहीं लेते हैं कहीं नहीं लेते हैं, जहाँ लेते हैं वहाँ तो आपको 41,000 तो जमा करनी ही करनी है। और साथ ही हमने बता दिया कि प्राइवेट सेक्टर में आपके 10,000 जमा होने हैं सिर्फ, और कुछ जमा नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही अच्छी एक क्लास मिलती वाली है आपको, और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहिए।